सब्जेक्टिव शीट नंबर 22 सेल्स सीरीज एंड पैरेलल की शीट है। इसके अंदर क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको ना तीन बैटरीज गिवन है, तीन सेल्स गिवन है और ये ना डॉटेड डॉटेड में बनाएगा, यानी कि एक सेल है जिसकी इंटरनल 0.05 है, एक और सेल है, एक और सेल है और तीनों सीधे कनेक्टेड है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 4 एम्पियर है। आपको एम मीटर की रीडिंग बतानी है क्या है। एम मीटर की रीडिंग का मतलब है कि टोटल करंट बताना है इसमें क्या होगा, टोटल करंट बताना है। तो मैं एक सेल की जगह तीन सेल की जगह एक सेल लगा लूँ तो नेट ईएमएफ में बोलो क्या करेंगे, E1 + E2 + E3 यही होगा, क्योंकि तीनों सेल्स बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड है। तो टोटल ईएमएफ 2 + 1.8 + 1.5 = 5.3 और इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होती है तो क्या आएगी 0.05 + 0.7 + 1 और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की होगी सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि तीन सेल के क्वेश्चन को कैसे करना है। और बाय चांस अगर एक सेल उल्टा कनेक्टेड होता तो उसकी ईएमएफ प्लस की जगह माइनस हो जाती और R1 की जगह या R3 की जगह प्लस रेजिस्टेंस थोड़ी ना माइनस होती है, वो तो प्लस ही होएगी। तो नहीं लगाना रेजिस्टेंस में R1 + R2 + R3 लगाना, ईएमएफ एडजस्ट करना। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर पूछा गया है, हमने सॉल्व नहीं किया, मैंने बोल बात अलग है, वो ये पूछ रहा है कि अगर ये तीन सेल्स पैरेलल में होते, सीरीज की जगह पैरेलल में होते तो क्या ये डेफिनेट ईएमएफ से डिफाइन किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम हर सेल में से करंट निकाल सकते हो, हम निकाल तो सकते हैं पर उसके लिए हमें कौन सा लॉ सीखना पड़ेगा, किरचॉफ लॉ, जो अगला लेक्चर है जो आपको सिखाऊंगा। तो आज नहीं करेंगे, हर सेल के अंदर करंट निकालना है। टोटल करंट तो निकाल लोगे तीन की जगह एक सेल लगा के, पर तीन अलग अलग करंट कैसे निकालोगे, तो किरचॉफ लॉ से सीखेंगे जो अगला लेक्चर है, तो अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। दो आइडेंटिकल बैटरीज हैं 1.5 वोल्ट ईच, पैरेलल में कनेक्टेड है। आइडेंटिकल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों की सेम है और ये करंट सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। 17 ओम की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे, तो 17 ओम की पैरेलल में, तो ये खुद पैरेलल में है और एक ऐसे रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रहे हैं जो दोनों फिर से पैरेलल में है। ये डायग्राम है, आपको इस डायग्राम को देखते हुए ये बताना है कि जब ये सेल्स करंट सप्लाई करते हैं तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.4 हो जाता है, क्योंकि 1.5 तो रहेगा नहीं, करंट सप्लाई करते ही गिर जाएगा, तो कितना हो गया 1.4 हो गया, ये गिवन है। तो आपको बताना है कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर क्या है, ये क्वेश्चन है। एक ना पहले शॉर्टकट सीखते हैं, दो सेल्स पैरेलल में और ये बिल्कुल सही कनेक्टेड है, अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लूं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E1 R2 E2 R1 R1 + R2, यानी कि 1.5 × R 1.5 × R / R सॉल्व करोगे आंसर फिर से 1.5 आएगा। तो एक शॉर्टकट ये है कि आज के बाद अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, चाहे 400 हैं, अगर ईएमएफ सबकी सेम है, स्मॉल आर भी सबका सेम है, तो 400 सेल की जगह एक सेल जो लगेगा उसकी ईएमएफ एग्जैक्टली 1.5 ही आएगी, बात ही खत्म है। फिर देख लो, जैसे जैसे ही मान लो अगले क्वेश्चन में चार सेल्स हैं, चार सेल की आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, शॉर्टकट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, ई करना ही नहीं है। अच्छा वैसे तसल्ली के लिए करके दिखा दिया, आंसर ई आएगा, आंसर ई आएगा, फिर से फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना क्या, E1 R1 E2 R2 वाला आंसर ई आएगा। तो आज के बाद ये स्टेप हम नहीं करेंगे, हम सीधा ई बोल देंगे। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा बिकॉज चारों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो समझ में आ रहा है, ये शॉर्टकट क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 8.5 आएगा। इसको सॉल्व करके एक बैटरी लगेगी 1.5 वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी लगेगी और आर और आर पैरेलल में है तो इसकी इंटरनल क्या होगी, R/2। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, इसका छोटा डायग्राम क्लियर है, बड़े का छोटा डायग्राम क्लियर है, बस ये देखो सिर्फ ये डायग्राम जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखो और कुछ मत देखो, क्या ये पॉइंट क्लियर है।
अब मेरे को ये पता है कि जब ये करंट बाहर निकालेगा तो ये वी क्वेश्चन में गिवन है 1.4 वोल्ट है, ऐसे ही है। मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला करवाया था, क्या करवाया था, ई बाय वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, ये करवाया था। अब ये बताओ इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर बाय टू, तो पुट करो आर बाय टू 1.5, 1.4 माइनस वन इंटू 8.5, सॉल्व कर लेना, आर निकाल लेना आंसर, ऐसे लगेगा। तो ये कुछ करने बहुत लंबा किया हुआ है, सीधा एक लाइन में ये क्वेश्चन है, शॉर्टकट डायग्राम बनाया, ई और वी गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ना पुट करना, बस इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय टू पुट करना, बाकी एवरीथिंग इज सेम, आर निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, जब तक इक्विवेलेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले इक्विवेलेंट सेल लगा के एक सेल लगाना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइडिया क्लियर है सबको, जैसे ये क्वेश्चन में लगा सकते हो, चार सेल्स हैं दो दो वोल्ट के, इंटर आइडेंटिकल है, पैरेलल में है, एक्सटर्नल सर्किट कंटेनिंग 15 ओम इन पैरेलल है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल 1.6 है। वैसे सेल 2 वोल्ट का है, ईएमएफ 2 वोल्ट है, पर इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी कितनी है, सिर्फ 1.6 वोल्ट है। फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, लगा लो, पहले चार की जगह एक सेल तो लगाओ, चार की जगह जब एक सेल लगेगा तो बताओ क्या होगा, ई करके क्या आएगा, ई ही आएगा, और स्मॉलर स्मॉलर की जगह क्या आएगा, आर बाय फोर आएगा, पैरेलल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 15 करके 7.5 आएगा। अब आपको ई की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट है और टर्मिनल कितना है 1.6 है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाय वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाय फोर है, ई का मतलब कितना है 2 वोल्ट है, 1.6 है और इंटू कैपिटल आर की जगह 7.5 है, सॉल्व करके स्मॉल आर निकाल के आंसर है। तो मेथड समझ में आ रहा है कि हर के अंदर कैसे लगेगा ये मेथड, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक। तो सीधा चार की जगह एक सेल, दो सेल्स हैं, 4 और 8 वोल्ट के दो सेल्स हैं, 4 और 8 वोल्ट है, लेकिन वो साथ में कह रहे हैं दे आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट ऑर्डर, गलत कनेक्ट हो गए, तो गलती से गलत कनेक्ट हो गए, देख रहे हो, एक 4 वोल्ट है एक 8 वोल्ट है, और ये आगे कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है इन सीरीज विथ 4.5 वोल्ट, और ये आगे कनेक्टेड है 6 और 3 के साथ पैरेलल में, कह रहे डायग्राम बनाओ। अब ये पढ़ के डायग्राम कौन बनाए, पर चलो मैंने बना दिया, गिवन नहीं होगा, तो स्टेटमेंट पढ़ के कितना मुश्किल डायग्राम बनाना है यार, गलत भी तो बन सकता है, फिर लोग बैटरी ये उल्टी करें कि ये उल्टी करें, ये भी कन्फ्यूजन ही है। चलो इन एनी केस डायग्राम गिवन समझो, मेरी तरफ से गिवन है, बनाने को आता नहीं है, देता है वो पेपर में। तो ये डायग्राम है, आपको इसमें ये बताना है कि इसमें करंट टोटल क्या होगा, बस मुझे ये बता दो, ईएमएफ इसमें ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगी, बड़े में से छोटा माइनस, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक और 1.5 को ऐड करना पड़ेगा 1.5, ठीक। तो टोटल करंट क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा ना, ये 4.5 है, 6 और 3 किसमें पैरेलल में, तो क्या आएगा 2, तो टोटल करंट क्या आएगा, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 4, माइनस करके 8 में से 4 गया 4, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल कितनी है 4.5 और 2 मिला के 6.5, और इंटरनल कितनी है इसमें 1.5, सॉल्व करके करंट आएगा। मेथड समझ में आ रहे हैं यहां तक, उसमें बोला नहीं तो सीरीज में ही है, सीरीज में है, बोला नहीं तो, हाँ मेंशन करना चाहिए था सीरीज, उसे मेंशन करेगा, पैरेलल में तो पक्का ही मेंशन करेगा, कनेक्टेड का मतलब सीरीज में ही है। जैसे ये रिपीट क्वेश्चन, रिपीट है ये क्वेश्चन, है हमारा आज लास्ट का क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है, एक बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल, पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन है, डायग्राम से समझाता हूं, ये ना डायग्राम गिवन है, इसमें आपको ई वन ए टू गिवन है, आपको इसमें कैपिटल आर आर वन आर टू सब गिवन है, दे दिया। पहले डायग्राम की फोटो देखते हुए ये देखो कि बैटरी सीधी है या उल्टी है, क्या लग रहा है, माइनस प्लस प्लस माइनस, उल्टी, एक बैटरी उल्टी कनेक्टेड है।
जब मैं ये बोलता हूँ कि एक बैटरी रिवर्स कनेक्टेड है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि करंट यहाँ से पॉजिटिव में से निकल रहा है। अच्छा ओके, इससे पहले एक और चीज़, मुझे कैसे पता लग रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है? ये भी तो डिसाइड आप ही को करना है, देगा थोड़ी ना। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी कहती है कि देखो रूल है नेचर का कि पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलना चाहिए टुवर्ड्स राइट। ये बैटरी कहती है कि मेरे पॉजिटिव में से निकालो। अब ये चाहती है राइट निकालो, ये चाहती है लेफ्ट निकालो, फैसला कौन करेगा? बड़ी बैटरी। बड़ी बैटरी 4 वोल्ट की है तो इसके हिसाब से चलेंगे, तो इसकी बात मानी जाएगी, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में से यहाँ से बाहर निकलेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये बैटरी की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। तो इस बैटरी के पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है तो इसकी क्या हो रही है? चार्जिंग। एक डिस्चार्जिंग, एक चार्जिंग का केस है। सही है यहाँ तक? तो मान लो आपने आई करंट इसमें घुमा दिया। अब रूल नंबर टू, इसके अंदर आपको अगर करंट निकालना है तो करंट तो टोटल आ ही जाएगा। कैसे? ये तो बैटरी की नेट ईएमएफ क्या है? 4 में से 2 गया 2, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R1 R2 प्लस कैपिटल R। तो R1 R2 कैपिटल R आपको पता है 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना? 8। तो करंट टोटल तो आ ही गया, एक आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है? एक आंसर क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने ये मिस की तो मैं बता रहा हूं 2-3 महीने इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं, फंस जाओगे। ध्यान से, क्या वो ये कहेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इस पूरे सर्किट में कोई भी इमेजिनरी दो पॉइंट्स दे देगा, जैसे बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, जैसे ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कुछ भी। चलो जैसे बी और ए में निकालना है, इसको करने के लिए एक लॉजिक को समझो। अगर मान लो ये आपके पास एक वायर है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है तो अगर कुछ लगा नहीं हुआ तो ये इक्विपोटेंशियल वायर है, तो यानी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वी ए वी बी है और रेजिस्टेंस भी है और करंट भी राइट जा रहा है, वी ए और वी बी कभी बराबर नहीं हो सकते। बोलो वी ए बड़ा होगा कि वी बी? वी ए। क्यों? करंट मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मानते हो ये चीज? तो VA बड़ा होगा VB से, तो VA में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी VB के साथ रिलेशन आएगा। तो ओम लॉ कहता है VA में से क्या सब्ट्रैक्ट करें? रास्ते का पोटेंशियल ड्रॉप। कितना? I into R खराब हो गया, जिस वजह से VB के इक्वल जो टर्म आएगी VA माइनस I into R आएगा। तो चलो ध्यान से देखो, VA माइनस VB इज IR, यही तो ओम लॉ था, VA माइनस VB इज IR। हमें आदत ऐसे देखने की है, अब इसको देखने की आदत डाल लो, ये चाहिए हमें। कैसे? VA बड़ा है, VB छोटा है, VA में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि VB आ जाए IR। ये बात समझ में आती है? इस कॉन्सेप्ट को जरा यहां यूज करके देख लें, ध्यान से देखना कैसे। आप B पॉइंट से स्टार्ट हो जाएं, आप B पॉइंट से स्टार्ट हो जाएं और A तक जाएं, करंट बोलो B से कहां जा रहा है? A पे। तो किसका पोटेंशियल बड़ा है? B का कि A का? B का, हायर से लोअर। तो VB, VB, ध्यान आगे, VB में से VB और VA का रिलेशन आने वाला है, VB करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या आएगा? माइनस I into R2, VB माइनस I into R2, लेकिन बैटरी माइनस से प्लस पे जा रही है तो प्लस E2। देखो VB माइनस I into R2, माइनस से प्लस जा रही है, किरचॉफ लॉ, प्लस E2, तब जाके वैल्यू किसके इक्वल आएगी? VA। ये रूल समझ में आ रहा है? मतलब ये VAB है, तो VB हायर पोटेंशियल पे है, VA लोअर पोटेंशियल पे है, तो VB माइनस I into R2 प्लस E2 इक्वल टू VA। तो ये रूल सबको समझ में आ रहा है? पहले ये बता दो, ये रूल समझ में आ रहा है? तो यहां से VB और VA एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, क्वेश्चन में I पता है, R2 पता है, E2 पता है, सीधा VB माइनस VA आ जाएगा। फिर देखो आपको क्वेश्चन में फिर सी और ए का सेम कॉन्सेप्ट गिवन है कि ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। बताओ वीए बड़ा है कि वीसी बड़ा है? वीए बड़ा है, करंट इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो बोलो इक्वेशन क्या बनाए? वीए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वीए करंट की बैटरी आ गई प्लस से माइनस, तो माइनस E1, करंट के साथ जा रहे हैं माइनस I into R1 इज इक्वल टू। अब आपको क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यूज पता है, VA माइनस VC कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है?
फॉर्मूला रजिस्टर में प्लीज इसे एंटर कर लो, इस फॉर्मूले को ये लिख लो ताकि भूलना नहीं है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई है, ये बहुत बार हम यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम में।